प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका जीके में केमिस्ट्री। मेरा नाम जुगल सिंह है। तो देखो यार, हम पढ़ रहे थे आइसोमेनियम चैप्टर। अब आइसोमेनियम चैप्टर में इस लेक्चर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, देखो क्या पढ़ना है अपने को। अपने को काउंटिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में बात करना है, और अपने को बात करना है कि मीजो कंपाउंड आपके क्या होते हैं। तो देखो, और भी अपने को टाइम मिलता है तो और भी हम चीजों के बारे में जानेंगे। तो देखो यार, पहले अपने को जो बात करना है वो ऑप्टिकल आइसोमर की काउंटिंग के बारे में बात करना है। तो देखो यार, डिटेल से हम समझते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की काउंटिंग। तो देखो, मैंने हेडिंग डाला है कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ओआई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओआई? देखो, ओआई क्या? ऑप्टिकल आइसोमर। तो देखो, मैं लिख देता हूं आपका ऑप्टिकल आइसोमर। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर मतलब समझते हो? ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर आई होप आप समझते हो। ठीक है, अब देखो इसमें भी कई सारे केस हैं, तीन केस हैं टोटल। तो पहले केस के बारे में हम बात करते हैं। अगर आपके एंड पॉइंट, कंपाउंड के एंड पॉइंट क्या हैं आपके? डिफरेंट। एंड पॉइंट आप समझते हो? ठीक है, एंड पॉइंट आपके कंपाउंड के क्या हैं? डिफरेंट। और भी मैं बोल सकता हूं ऐसे कि ऑल आर डिसिमिलर कायरल कार्बन एटम। देखो, सी सेंटर का मतलब क्या है? कायरल कार्बन सेंटर, या फिर मैं एटम भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने बोला है कि देखो, केस वन में क्या है कि आपके जो एंड पॉइंट है वो डिफरेंट हो, या फिर मैं उसको दूसरी लैंग्वेज में ये बोल सकता हूँ कि उस कंपाउंड में जितने भी आपके कायरल सेंटर है वो क्या होने चाहिए आपके? बोलो, ध्यान से बोलो, डिसिमिलर। डिसिमिलर का मतलब क्या है? डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो देखो यार, अब इस केस में, ठीक है, इस केस में, या फिर देखो मैं इसको ऐसा ही बोल सकता हूँ कि आप ऐसा कंपाउंड लो, ठीक है, एक ऐसा कंपाउंड लो, उसको बीच से काट के देखो तो वो दो इक्वल पार्ट में आपका नहीं कटे, तो ऐसे बोलते हैं उसको, डिसिमिलर कंपाउंड भी बोलते हैं हम ऐसे। तो देखो, इस केस में टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं ओआई की बात करूं, ओआई का मतलब क्या है ऑप्टिकल आइसोमर, तो वो आता है आपका 2n, और एन क्या है आपका? बोलो, एन है आपका टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो देखो, आपका केस वन में टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर आपका क्या हुआ? 2n। 2n, n इज इक्वल टू क्या? आपका कायरल सेंटर। और कायरल सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखो कि देखो यार, मैंने ये कंपाउंड देखे, अब देखो इसका एक एंड पॉइंट क्या आपका? मिथाइल। दूसरा एंड पॉइंट क्या आपका? इथाइल। तो बोलो, दोनों डिफरेंट है? बिल्कुल है। अब देखो, ये वाला सेंटर क्या आपका? कायरल सेंटर। ये वाला सेंटर क्या आपका? कायरल सेंटर। देखो मैंने कैसे देखा, कायरल सेंटर को हम स्टार से भी हाईलाइट करते हैं, जैसे कार्बन स्टार, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन है यार। तो देखो, इस वाले कार्बन पे एक आया मिथाइल, एक आया क्लोरीन, एक आया हाइड्रोजन, और एक पूरा का पूरा ये वाला ग्रुप। तो बोलो, सभी क्या है? डिफरेंट। इस वाले कार्बन पे देखो, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक इथाइल और एक पूरा का पूरा ग्रुप। तो बोलो, इधर आपके कायरल सेंटर कितने आ गए आपके? दो। यहां तक क्लियर है? अगर मैं इधर टोटल नंबर ऑफ OI की बात करूं, तो वो आता है 2n = 2 = 4। तो देखो, इस कंपाउंड के जो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे वो बनेंगे आपके 4। अब देखो, 4 कैसे बनेंगे, ध्यान से सुनना हर एक चीज। अच्छा, अगर मैं नेमिंग करूं इस कंपाउंड की, तो बोलो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, तो मेंशन कितने कार्बन की होगी आपके? 5 कार्बन एटम की। तो बोलो, नंबरिंग अगर मैं इधर से स्टार्ट करूंगा तो आपकी जो साइड चेन है उसको लोएस्ट नंबर मिलेगा। तो बोलो, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं? 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो, नंबरिंग मैंने क्यों की है, इसका ना इसका बहुत एक अच्छा सा यूज करूंगा मैं। कैसे? देखो, ध्यान से देखो। अब देखो यार, अब मैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में इनको मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो देखो, कायरल सेंटर आपके कितने, मैंने आपको बताया कायरल सेंटर आपके कितने, इधर बोलो ध्यान से, देखो कायरल सेंटर आपके कितने? 2। ठीक है, तो आपकी जो क्रॉस लाइन आएंगे, ठीक है, जो आपकी क्रॉस लाइन आएंगी, जैसे कि ये देखो, ये क्रॉस लाइन, ये वाली एक क्रॉस लाइन, ये एक क्रॉस लाइन, ये, तो देखो कायरल सेंटर आपके कितने आए? 2। अब बोलो, अब मैंने आपको बताया था करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप कहाँ होता है आपका? टॉप पर। और जो वर्टिकल लाइन होती है उस पर क्या होता है आपका? बोलो, मेन चेन। तो ये जो वर्टिकल लाइन है इस पर मेन चेन आएगी, और इधर आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप, और हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? मिथाइल की। तो देखो, ये क्या है आपका? मिथाइल। और ये क्या है आपका? इथाइल। क्लियर है? गुड। ठीक है, अब इधर देखो, देखो क्लोरीन क्लोरीन, तो देखो मैं क्या करता हूँ कि दोनों क्लोरीन को एक बार राइट में कर लेता हूँ, और हाइड्रोजन को क्या पर, कहाँ पर कर लेता हूँ? लेफ्ट में।
अगर मैं इधर मिरर लगा दूं, अगर मैंने इधर मिरर लगा दिया तो देखो, मिरर लगा दिया तो जो आपका राइट में था वो किसमें हो जाएगा, आपका लेफ्ट में, लेकिन ओनली कायरल सेंटर पर। तो देखो क्या होगा, ध्यान से सुनते रहना। तो देखो मैंने पहला स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, तो ये मेरा मिथाइल, तो देखो जो क्लोरीन आपका राइट में था, मिरर लगाने पर जो स्ट्रक्चर बनेगी उसमें कहां पर हो जाएगा, आपका लेफ्ट में। तो बोलो ये आपका क्लोरीन, ये आपका क्लोरीन, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन और ये आपका इथाइल। यहां तक क्लियर है? गुड। तो देखो यार, ये तो मैंने आपके दो स्ट्रक्चर बना दिए। अब देखो, अब मैं एक और बनाता हूं। देखो अब ध्यान से सुनना, देखो मैंने वही स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है, वही स्ट्रक्चर बनाई है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक बार मैं क्लोरीन इधर ले रहा हूं और एक बार क्लोरीन मैं इधर ले रहा हूं। तुम चाहो तो किधर भी लगा सकते हो, ठीक है, किधर भी पॉसिबिलिटी लगा सकते हो, बस उसके बारे में आप थोड़ा आगे कंपेयर करके देखें कहीं सेम तो नहीं आ रहा। तो देखो उसके बाद में मैंने हाइड्रोजन इधर लगाया और हाइड्रोजन मैंने इधर लगाया। बोलो इधर अगर मैंने मिरर लगा दिया, अगर मैंने इधर मिरर लगा दिया तो बोलो, ध्यान से बोलना कि जो आपका राइट में था वो किसमें हो जाएगा, लेफ्ट में। तो बोलो क्लोरीन आपका कहां पर था, राइट में, ये हाइड्रोजन कहां पर था, आपका राइट में, अब कहां पर हो जाएगा, आपका लेफ्ट में, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनो, तो ये कहां पर आ गया, लेफ्ट में, ये कहां पर आ गया, लेफ्ट में, ये बोलो कहां पर आ गया, राइट में, ये बोलो कहां पर आ गया, आपका राइट में, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, क्लियर है, ठीक है, गुड। अगर आप चाहो, ठीक है, मैंने आपको बताया था मिरर इमेज आइसोमर, मैंने आपको बताया था जो मिरर इमेज आइसोमर होते हैं वो क्या होते हैं, आपके डायस्टोमर। तो देखो देखो ए और बी क्या हुए, अच्छा मिरर इमेज आइसोमर आपके डायस्टोमर नहीं होते, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, एनेंसियोमर होते हैं, ठीक है। डायस्टोमर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक पे फिक्स आए और दूसरा पे क्या आ जाए, आपका चेंज, ठीक है, ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं। तो मिरर इमेज आइसोमर क्या होते हैं, आपके एनेंसियोमर। तो देखो ए और बी क्या है, मिरर इमेज, क्योंकि देखो इसका मैंने मिरर रख के मैंने ये वाली स्ट्रक्चर बना ली, इसका मिरर रख के मैंने ये वाली स्ट्रक्चर बना ली। तो ए और बी क्या आपके एनेंसियोमर, सी और डी क्या आपके, बोलो ध्यान से, एनेंसियोमर। अगर आप चाहो ए और डी में रिलेशन, बी और सी में रिलेशन, बी और डी में रिलेशन, तो आप उसको अपने आप कंपेयर करके देखना। अब देखो इधर, अब मैंने एक और क्वेश्चन दे रखा है कि देखो इधर आपका एक टर्मिनल पॉइंट पे क्या आ रहा है, आपका मिथाइल, दूसरे टर्मिनल पॉइंट पे क्या आ रहा है, आपका इथाइल। यहां तक क्लियर है? बहुत सही। तो बोलो दोनों टर्मिनल पॉइंट क्या है आपके, डिसिमिलर, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ डिफरेंट। तो देखो केस बन के अंदर आते हैं, गुड। तो पहले आप कायरल सेंटर फाइंड आउट करो। तो देखो ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर। तो देखो एन इज इक्वल टू क्या है आपका, 3, ठीक है। तो कायरल सेंटर आपको आई होप देखने आते हैं। अब देखो अगर मैं इसमें बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ ओ आई, तो वो क्या होगा, 2n, तो 2^3 इज इक्वल टू 8। तो इसके आइसोमर कितने बनेंगे आपके, 8। तो इस वाले आइसोमर के, इस वाले कंपाउंड के आप अपने आप आइसोमर बना के देखना नोट्स में कि कैसे बनेंगे 8, ठीक है। तो आप पॉसिबिलिटी लगा के देखना, आंसर आ जाएगा। तो देखो यार मैं आपको एक और बात चीज बता देता हूँ, केस वन में अगर आपके डिफरेंट एंड है या फिर मैं डिसिमिलर एंड है, तो देखो यार जो मैं ऐसा बोल सकता हूँ उसको डिसिमिलर कायरल सेंटर है, ठीक है। तो देखो उस केस में टोटल नंबर ऑफ जे 2^n, एन इज इक्वल टू कायरल सेंटर। तो ए और बी में रिलेशन बताया, सी और डी में रिलेशन बताया, इंटर रिलेशन के बारे में मैंने आपसे पूछा, अपने आप बताना। देखो इसके एंड पॉइंट क्या है, मिथाइल, इसका एंड पॉइंट क्या है आपका, इथाइल, ठीक है। तो इस केस में आपके टोटल नंबर ऑफ जे, टोटल नंबर ऑफ ओ आई कितना है, 2^n इज इक्वल टू 8, ठीक है। एन इज इक्वल टू क्या था आपका, 3। अच्छा ऑल आर डिसिमिलर कायरल सेंटर, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसको आप थोड़ा इधर अप्लाई करो या इधर अप्लाई करो तो आपको एक एक चीज आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। और या फिर एक और चीज समझ सकते हो आप कि ऐसे कंपाउंड जिसको मैं कैसे भी काटूं, 2 equal parts में नहीं कटे, 2 equal parts में आपका नहीं डिवाइड हो। तो दोस्तों अभी तक हमने केस वन के बारे में बात किया, अब केस टू एंड केस थ्री के बारे में बात करते हैं अच्छे से। तो देखो केस टू तुम्हारा क्या है कि जब आपका सिमिलर एंड आए, ठीक है। केस थ्री क्या है, जब आपका सिमिलर एंड आए। अब देखो केस टू एंड केस थ्री में देखो डिफ्रेंशिएट करने वाले पॉइंट आपके कौन कौन से हैं, देखो ध्यान से सुनना। व्हेन एन इज इक्वल टू इवन आए, एन क्या था आपका कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो देखो केस टू में हम किसकी बात करेंगे, व्हेन एन इज इक्वल टू क्या है आपका, इवन।
केस थ्री में हम क्या बात करेंगे, व्हेन एन इज इक्वल टू क्या है आपका ऑड, ठीक है, इवन ऑड आई होप आपको पता है। तो देखो ये इस केस में टोटल नंबर ऑफ ओ आई, व्हेन देखो जब कंपाउंड का सिमिलर एंड होगा और एन इज इक्वल टू क्या होगा आपका इवन, तब हम ऑप्टिकल आइसोमर की अगर हम बात करेंगे तो देखो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर देखो क्या आएंगे, तो देखो 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, ध्यान से सुनना, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, ठीक है। तो पहले हम इसी के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखो ये मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, देखो ये क्या आपका मिथाइल, ये भी क्या आपका मिथाइल, तो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो देखो इसका सिमिलर एंड पॉइंट आ गया, एंड पॉइंट देखो ये भी एंड पॉइंट है, ये भी टर्मिनल पॉइंट है, ये भी टर्मिनल पॉइंट है, ये भी क्या है मिथाइल और ये भी क्या आपका मिथाइल, तो देखो दोनों क्या है आपके सेम। अब देखो कायरल सेंटर देखो, तो देखो ये कायरल सेंटर है, ये भी क्या आपका कायरल सेंटर, देखो कैसे देखा आपने, कार्बन पे मिथाइल हाइड्रोजन OH और ये पूरा ग्रुप, ठीक है, तो बोलो चारों डिफरेंट है, बोलो इस पे कार्बन पे एक हाइड्रोजन OH मिथाइल और ये पूरा वाला ग्रुप, ठीक है, तो बोलो एन जूल टू आपका क्या है। आई होप आपको कायरल सेंटर देखना आता है। देखो कायरल सेंटर देखने के लिए देखो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना, कार्बन एटम जिस पर आपके चारों एटम, कोई भी एटम हो सकते हैं या फिर ग्रुप हो सकते हैं, वो आपके डिफरेंट हो, ठीक है, उसको बोलेंगे हम कायरल सेंटर, ठीक है। तो देखो इधर आपके कायरल सेंटर क्या है आपके दो, और जो क्या आपका इवन, जो क्या आपका इवन, और केस टू के अंदर आता है क्योंकि देखो इसके दोनों एंड पॉइंट क्या है सिमिलर। तो बोलो इस केस में अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ओ आई की बात करूं तो देखो वो क्या आएगा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, तो देखो n की वैल्यू में इधर 2 पुट कर रहा हूं, तो बोलो 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस, ठीक है, 2 की पावर 2 बाई 2 माइनस 1, तो ये तो मैथमेटिकल हो गया, बोलो क्या आया 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 माइनस 1, बोलो ये क्या है आपका 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, और देखो ये क्या है आपका 2 और ये क्या है आपका 1, तो ये क्या आ गया आपका 3, ठीक है। देखो किस a की पावर 0 ये क्या होता है 1, ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ये तो पता होगा आपको 2 की पावर क्या हो गया आपका 0, ये इसके अंदर चलो मैं इसको हटा देता हूँ, मैथमेटिकल की क्लास नहीं है, ठीक है, तो देखो 2 की पावर क्या होगा आपका 0, तो ये क्या है आपका 1, तो इसके टोटल नंबर ऑफ ओ आई कितने आ गए आपके 3। और देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसकी अगर आपको स्ट्रक्चर तीनों बनानी है तो अपने आप रफ में बनाने की कोशिश करना और आपको समझ में आ जाएंगे। बस इतना याद रखना कि किसी कंपाउंड में अगर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जैसे कि आपने दो कंपाउंड बनाए, ठीक है, दो कंपाउंड में क्या आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, कंपाउंड आपके सुपर इम्पोजेबल है। सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या है, जैसे कि ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड आपका ब्लैक है, ठीक है, ये भी आपका कंपाउंड क्या आ गया ब्लैक, तो मैं इसको सुपर इम्पोज कर सकता हूँ, तो वो दोनों स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे सिमिलर, ठीक है, तो ये मैंने आपको हिंट दिया है, ठीक है, तो अप्लाई करके देखना। अब देखो केस थ्री के बारे में बात करते हैं डिटेल में, जब कंपाउंड का सिमिलर एंड आए और एन इज इक्वल टू क्या हो आपका ऑड, तो बोलो इस केस में आपका टोटल नंबर ओ आई होता है यार आपका 2 की पावर एन माइनस 1, बस इतना होता है, ठीक है। तो देखो मैं पहले एक क्वेश्चन करते हैं, तो बोलो ये क्या आपका मिथाइल और ये भी क्या आपका मिथाइल, तो बोलो सिमिलर एंड पॉइंट आ रहे हैं, तो मैं लिख देता हूँ सिमिलर एंड पॉइंट, ठीक है, या फिर मैं देखो बहुत और आसान भाषा में भी लिख सकता हूँ कि यार देखो और क्या लिख सकता हूँ मैं कि यार इसके जो सिमिलर टर्मिनल पॉइंट आ रहा है, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो अब कायरल सेंटर फाइंड आउट करूँ, तो देखो इस कार्बन पर एक मिथाइल एक हाइड्रोजन एक सीएल और एक पूरा का पूरा ये वाला ग्रुप, तो बोलो डिफरेंट है चारों, तो ये कायरल सेंटर हो गया। अब इधर देखो ध्यान से सुनना, इस कार्बन पर, ठीक है, इस कार्बन पर एक क्या हाइड्रोजन एक क्या सीएल और एक पूरा का पूरा ऐसा ग्रुप और ये एक पूरा का पूरा ऐसा ग्रुप, ठीक है, तो यार ऐसा कंपाउंड देखो ध्यान से सुनना, इसको मैं थोड़ा ध्यान से समझा देता हूँ, ये हाइड्रोजन है, ये आपका सीएल है, ये यहां तक क्लियर है, तो देखो एक ये वाला ग्रुप है इस पे और ये वाला ग्रुप है, ठीक है, तो आप
अभी आपको दिख रहा होगा इस वाले कार्बन एटम पर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन तो सेम नहीं है, आपका डिफरेंट है, तो यहाँ से कंडीशन आपकी वैलिड होती है। लेकिन अगर आप इसको और इसको चेक करोगे तो आपको पता चलेगा यार ये तो सेम आ गया, तो सेम आ गया। ठीक है, इस केस में देखो ऐसे को बोलते हैं स्यूडो कार्बन, या फिर देखो इसको बोलते हैं स्यूडो कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, स्यूडो कायरल सेंटर। देखो कैसे, ध्यान सुनना, अगर देखो इस पे R आया और इस पे भी R आया, तो देखो मैं बोल रहा हूँ इधर R आया इधर भी R आया, R मतलब समझते हो जो मैंने आपको पहले बताया, कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। अगर इस पे भी R आया इस पे भी R आया, तो देखो इसके रेस्पेक्ट में इधर भी R है इधर भी R है, तो बोलो ये आपका कायरल सेंटर आपका नहीं होगा। ठीक है, तो कायरल सेंटर आपका नहीं होगा। अगर इधर आपका R है और इधर क्या आपका S, तो ये कायरल सेंटर होगा। इधर आपका S है और इधर क्या आपका R, तो ये कायरल सेंटर आपका होगा। ठीक है, इधर आपका S है इधर भी आपका ऐसा, तो तभी भी आपका कायरल सेंटर होगा। तो मतलब समझ लो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा ये। तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन आपने निकाला, वो आया आपका आर, इसका कॉन्फ़िगरेशन आया आपका आर, तो देखो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप क्या हो गया आपका सेम। तो उस केस में ये वाला सेंटर आपका कायरल सेंटर नहीं रहेगा। और देखो अगर इस पे आर आया इस पे कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आया, तो देखो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन आपका चेंज हो गया। जब दोनों का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया तो ये कायरल सेंटर होगा, तो मैंने यस लिखा है। ठीक है, अगर ये S हो गया ये R हो गया तभी भी ये कायरल सेंटर होगा। अगर देखो ये S हो गया ये क्या हो गया आपका S हो गया, तभी भी ये कायरल सेंटर आपका नहीं होगा। तो जो मैंने आपको समझा ध्यान से सुनना, तो स्यूडो कायरल सेंटर का मतलब क्या था कि ये इसका ओरिएंटेशन, ठीक है, ये जो कायरल सेंटर है इसका ओरिएंटेशन इस पर भी डिपेंड कर रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये कभी कभी आपका कायरल सेंटर होगा, कभी कायरल सेंटर आपका नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, और देखो इधर ये भी क्या है आपका कायरल सेंटर। तो देखो यार इधर आपका n इज इक्वल टू क्या आया 3, n इज इक्वल टू 3। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ OI की बात करूं, तो बोलो क्या है 2^3 - 1 इज इक्वल टू 2^2, वो क्या है आपका 4। तो इधर जो आपके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर जो बनेंगे वो क्या होंगे आपके 4। ठीक है, अब वो भी आप अपने आप बनाना। और जो मैंने आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और देखो एक चीज समझना, ध्यान से समझना कि देखो ये आपका एक पॉइंट है। ठीक है, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल के आपका सेम। ठीक है, तो मैं इस पे देखो दूसरे एक ग्रुप लगाए ए, एक ग्रुप लगाए ग्रुप या एटम में कुछ भी बोल सकता हूँ बी। ठीक है, तो ये वाला एटम आपका कायरल सेंटर कब होगा, जब ये वाले ग्रुप और ये वाले ग्रुप क्या हो आपके डिफरेंट, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ इन दोनों का ओरिएंटेशन क्या हुआ आपका डिफरेंट। तो देखो जब इनका ओरिएंटेशन क्या आ रहा है सेम, तब ये बीच वाला कायरल सेंटर आपका नहीं आ रहा। जब इनका ओरिएंटेशन क्या आ रहा है डिफरेंट, तब ये कायरल सेंटर आपका आ रहा है। जब इन दोनों का डिफरेंट ओरिएंटेशन कैसा आ रहा है डिफरेंट, तो ये कायरल सेंटर आपका है। जब दोनों का सेम आ रहा है ओरिएंटेशन, तो वो कायरल सेंटर आपका नहीं है। आई होप यार ये क्लियर है। ठीक है, और जो भी चीज अगर नहीं हो तो मेरे को पूछ लेना डाउट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मीजो कंपाउंड के बारे में, मीजो आइसोमर के बारे में। तो देखो यार मैंने हाईलाइट कर रखा है पहले कि मीजो आइसोमर, पहले से हाईलाइट कर रखा है मीजो आइसोमर में। देखो हम किसको बोलते हैं कि देखो विच हैव मोर देन वन असिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक है, मोर देन वन असिमेट्रिक कार्बन एटम का मतलब क्या है कि देखो यार उसके पास में जो कायरल सेंटर होने चाहिए, कायरल सेंटर। ठीक है, तो देखो कायरल सेंटर आपके कितने होने चाहिए, मोर देन वन। तो देखो वही मैंने आपका लिखा है कि देखो कायरल सेंटर आपका क्या होना चाहिए, मोर देन वन। और देखो उसके अंदर क्या कंडीशन होनी चाहिए कि प्रेजेंट प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिसके पास में कायरल सेंटर आपका मोर देन वन हो, और उस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, या फिर आपका दोनों प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, मीजो कंपाउंड। अब देखो कैसे आइडेंटिफाई करोगे उस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो वो मैंने स्पेशली तुमको पढ़ाया है। ठीक है, अब आपको पता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाए, तो उसको बोलते हैं अकायरल कंपाउंड। ठीक है, या फिर हम अकायरल आइसोमर। तो देखो यार ध्यान से सुनना हर एक चीज, जो आपके मीजो आइसोमर होते हैं मीजो कंपाउंड होते हैं, देखो उसमें क्या होता है 50% D होता है। 50% D का मतलब क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और L कितने परसेंट होता है आपका 50%। तो देखो ध्यान से सुनना, इधर एक मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ
कि मैंने आपको बताया था कि पीपीएल की लाइट को अगर रोटेट करे तो कंपाउंड क्या होगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अगर रोटेट नहीं कर पाए तो कंपाउंड क्या होगा आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो देखो 50% डी का रोटेशन का मतलब क्या है कि देखो ये आपकी रेफरेंस लाइन है, ध्यान सुनना, इससे देखो ये वाली लाइन है, तो देखो इसने देखो क्या किया, ध्यान सुनना, ये मैंने पॉइंट माना एक, तो ये 50% इधर रोटेट कर लिया, ये मान के देखो ये 50% मैंने माना, ठीक है। तो देखो ये 50% रोटेशन है, ठीक है, वो भी किस में, क्लॉक वाइज में, ठीक है। और देखो और जो आपका एंटी क्लॉक वाइज है, ठीक है, इसी का 50% एंटी क्लॉक वाइज में डायरेक्शन मूव करा के देखो। तो देखो पहले आपका ये था, अभी ये आपका इधर आ जाएगा, तो आपको पता चलेगा ये आपका ओवरऑल ये आ गया, समझ में आया, तो ये आपका हट जाएगा, तो आपको पता चलेगा ये इसके अंदर तो कोई रोटेशन पॉसिबल ही नहीं हुआ। देखो ध्यान सुनो दोबारा से, ये आपका पहले इधर था, 50% डी में रोटेट कराया उसने, ठीक है, क्लॉक वाइज में। अगर मैं इसी का रोटेशन एल में 50% कराऊं तो देखो जहां से वो स्टार्ट हुआ था वहीं पर आ जाएगा, तो ये ऐसा आ गया, तो देखो ये आपका ऐसा आ गया, तो ऐसा पता चलेगा कि आपको कि कंपाउंड ने कोई रोटेशन किया ही नहीं है। तो देखो इंटरनली जितने उसने राइट में रोटेट किया उतना ही उसने लेफ्ट में भी रोटेट कर दिया, तो ओवरऑल जो आपका रोटेशन है वो जीरो, ठीक है। तो देखो ऐसे कंपाउंड को हम और भी बोलते हैं, ध्यान से सुनना, तो देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम रैशेमिक मिक्सचर। रैशेमिक मिक्सचर का मतलब क्या है, देखो रैशेमिक मिक्सचर के नाम से पता चल रहा है कि 50% डी 50% क्या एल, तो ये कंपाउंड क्या होगा, देखो ओवरऑल कंपाउंड ने जो आपकी ये प्लेन लाइट थी ये तो आपने रेफरेंस पॉइंट माना था, तो देखो ओवरऑल इसने कोई भी रोटेशन नहीं किया, तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, मीजो आइसोमर या मीजो कंपाउंड, ठीक है। दूसरा मैंने जो नाम बताया ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं मीजो आइसोमर या कंपाउंड को, ऐसे को बोलते हैं हम रैशेमिक मिक्सचर। और ये भी मैंने बताया कायरल कंपाउंड बोलते हैं इसको। और देखो दे हैव स्पेसिफिक रोटेशन जीरो, जो मैंने अभी आपको बताया कि ओवरऑल इनका रोटेशन क्या होगा, जीरो, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। मैंने अभी आपको बताया इंटरनल के कारण, देखो 50% डी राइट में रोटेट करने की कोशिश करेगा, 50% एल एंटी क्लॉकवाइज में या फिर लेफ्ट में रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो ओवरऑल इधर ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखो और भी अगर आपको अच्छे समझना है तो ऐसे समझो कि देखो 50% इसने ऐसे यहाँ पर रोटेट कराया, तो ये क्या आपका इधर डायरेक्शन में, ये डी मान लो, ठीक है। अगर आपका यही आपका 50% एल में रोटेट करे तो देखो यहाँ पर आ गया, तो एल, तो देखो ओवरऑल आपका यही आ गया। तो जब आपका इधर टोटल कोई रोटेशन नहीं हुआ तो इसको मैं क्या बोलूँगा, मेजो आइसोमर या फिर अकायरल कंपाउंड या फिर रैशेमिक मिक्सचर। तो देखो इसका रोटेशन मैंने क्या बताया आपका, जीरो, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ठीक है। दे हैव नॉन रिजॉल्वेबल, ठीक है, इनको हम रिजॉल्व नहीं कर सकते। देखो कैसे रिजॉल्व नहीं कर सकते, कि इन कंपाउंड को हम सेपरेट नहीं कर सकते, कौन से कंपाउंड, मेजो आइसोमर को। अब देखो ध्यान से, तो यार मैंने ऐसे कुछ कंपाउंड लिखे हैं और जिसमें मैंने को यार मेरे को बताना है कि ये कंपाउंड आपका मेजो आइसोमर होगा या नहीं होगा, तो आपको देखने के लिए देखो क्या करना है, पहले तो आप देखो कि मल्टीपल कायरल सेंटर उसके पास में है क्या, तो चेक करना पड़ेगा। उसके बाद में दूसरी चीज देखो कि कंपाउंड में आपका प्लेनोसिमेट्री सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट है क्या, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो मल्टीपल कायरल सेंटर, आपका ये वाला कायरल सेंटर, ये वाला कायरल सेंटर, तो देखो अगर मैं इसको ऐसे काटूं, अगर मैंने इसको ऐसे काटा, तो अगर ऐसा काटने पर इसमें प्लेनोसिमेट्री आ रही है, तो प्लेनोसिमेट्री देखो ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या आपका इक्वल, और दोनों क्या है आपके हाफ, तो प्लेनोसिमेट्री आ गई, तो ये कंपाउंड आपका क्या हो गया, मेजो कंपाउंड, क्लियर है, गुड। अब देखो ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, पहले बोलो कायरल सेंटर आपका कितने, कायरल सेंटर आपको यह देखना आना चाहिए 1, 2, 3, ठीक है। और मैंने इसमें यह भी बताया था सूडो बूडो के बारे में बताया था, आई होप आपको क्लियर हुआ, इसी लेक्चर में बताया। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा कि देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका हाइड्रोजन का भी आधा कटे और सीएल का भी आधा कटे, तो देखो ये वाला पार्ट क्या आपका इक्वल, तो बोलो ये भी क्या हुआ आपका मेजो कंपाउंड, ठीक है। अब देखो ये वाला कंपाउंड अगर मैं इसको ऐसे काटूं, ठीक, ये लाइन थोड़ा सीधा नहीं हुई, अगर मैंने इसको ऐसे काटा तो देखो क्लोरीन मिथाइल तो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये भी क्या आपका बोलो क्या है मेजो कंपाउंड। तो देखो
ये मैंने अभी तक जितना भी बताया कंपाउंड में प्लेनो सिमेट्री है, इस कंपाउंड में क्या है, प्लेनो सिमेट्री। अब ध्यान से सुनना, देखो मैंने इधर एक पॉइंट लिया, ऊपर इतनी डिस्टेंस पर गया तो क्या मिला मुझे, सी एल। नीचे उतनी डिस्टेंस पर गया तो मुझे क्या मिला, सी एल। तो यहाँ तक तो सही है। अब देखो अगर मैं इधर इतनी डिस्टेंस पर गया तो मुझे क्या, हाइड्रोजन, और मुझे इधर क्या मिला आपका, हाइड्रोजन। क्लियर है यहाँ तक, गुड। और देखो आगे चेक करो, मैं इतना डिस्टेंस पर ऊपर गया तो क्या मिला मुझे, मिथाइल। मैं उतना डिस्टेंस पर नीचे गया तो क्या मिला मुझे, मिथाइल। और बाकी देखो मैं इधर ऊपर, देखो ये हाइड्रोजन मिलेगा, इधर क्या मिलेगा आपका, हाइड्रोजन। ये देखो ऊपर की तरफ जाऊंगा तो नीचे की तरफ क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, और ये ऊपर की तरफ क्या मिलेगा आपका, हाइड्रोजन। तो ये थोड़ा कंजेस्टेड हो गया लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो देखो मैं कुछ चीज़ें आपको मिटा देता हूँ, ठीक है, समझ जाओगे, आई होप, मुझे पता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री बस देखा है मैंने, ठीक है, ओवरऑल मैंने क्या देखा आपका, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो मैंने इधर पॉइंट माना, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री आपका प्रेजेंट है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड क्या होगा आपका, मीजो कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जिसके पास में मल्टीपल कायरल सेंटर हैं, ठीक है, एंड आपका प्लेनो सिमेट्री है एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, मीजो कंपाउंड। ठीक है, मीजो कंपाउंड के बारे में डिटेल में मैंने बात की है। और ऐसे कंपाउंड देखो, प्लेनो सिमेट्री ऐसा काटा तो ये इक्वल पार्ट में हो गया, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो अपने आप स्ट्रक्चर बना के देखना कि इक्वल डिस्टेंस पे जाने पर आपको क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, तो ये आई होप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना था कि प्लेनो सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री जो मैंने आपको बताई है उसका अच्छे से आप इस्तेमाल कैसे कर पाओगे, या फिर कैसे देख पाओगे कि कंपाउंड में प्लेनो सिमेट्री कैसे देखते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जीकेवी के बारे में बात करते हैं। तो देखो यार ध्यान से, तो देखो मैं हेडिंग डालता हूँ जीकेवी। तो देखो जीकेवी है किसके बारे में, असाइक्लिक कंपाउंड के बारे में, असाइक्लिक कंपाउंड, वो भी किसके, नाइट्रोजन के। अब देखो नाइट्रोजन के कैसे कंपाउंड मैं बता रहा हूँ तुमको, ध्यान से सुनना हर एक चीज। देखो ये आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे आपने तीन ग्रुप लगाए डिफरेंट, आर, आर डैश और आर डबल डैश, और देखो एक नाइट्रोजन पे क्या, लॉन पेयर। तो बोलो इसके बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो देखो यार इधर बॉन्ड पेयर कितने आ रहे हैं आपके, बोलो तीन, बोलो नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, एक दो तीन, और बोलो लॉन पेयर कितने आ रहे हैं, बोलो लॉन पेयर आ रहे हैं आपके वन। तो यार इस केस में इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, बोलो बोलो थ्री, देखो ध्यान सुनना, वन टू थ्री, तो ये बॉन्ड पेयर कितना है आपके, तीन, लॉन पेयर कितना है आपके, बोलो ध्यान से, एक। तो इस केस में देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन आया आपका sp3। अच्छा ठीक है, अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं शेप की, तो देखो शेप क्या आती है, ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिडल, ये तो पता होगा, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल कैसे आई, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से यार, अगर मैं इसे स्ट्रक्चर की बात करूं, तो देखो नाइट्रोजन पे देखो ये वाला एक ग्रुप है लॉन पेयर, और देखो आर, आर डैश और आर डबल डैश, तो यार ये चारों ग्रुप क्या है आपके, डिफरेंट। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, कायरल नाइट्रोजन एटम, या फिर मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ असिमेट्रिक, क्या बोल सकता हूँ ध्यान से सुनना, कि देखो, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ असिमेट्रिक नाइट्रोजन एटम। यहाँ तक क्लियर है हर एक चीज। अब देखो ये ध्यान से हर एक चीज सुनना, नाइट्रोजन एटम आपका क्या आ गया, कायरल सेंटर, ठीक है, कायरल सेंटर, या फिर मैं उसको ये भी बोल सकता हूँ असिमेट्रिक नाइट्रोजन सेंटर। यहाँ तक क्लियर है हर एक चीज। और मैंने इसको देखो शेप के बारे में बताया, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। अब देखो ध्यान से हर एक चीज, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको पता चल गया। तो देखो यार ये स्ट्रक्चर देखो क्या करती है, ये स्ट्रक्चर आपका रैपिड इन्वर्जन होता है, रैपिड आपका इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन। अच्छा इन्वर्जन क्या होता है, देखो इन्वर्जन क्या होता है कि देखो आपकी स्ट्रक्चर ऐसी है, ठीक है, अभी ऐसी है, थोड़ी देर में आपकी ऐसी हो गई, जैसे कि आपने छतरी देखी हुई होगी अम्ब्रेला, ठीक है, तो अम्ब्रेला भी आपकी ऐसी है, ठीक है, ऐसी है अम्ब्रेला, और आपके ऊपर से बारिश हो रही है, अगर बहुत ज़्यादा तेज हवा आती है तो ऐसे उल्टा हो जाता है, ठीक है, तो ये उसी टाइप का इन्वर्जन है। तो देखो अभी आपका ये इधर था, अगर रैपिड इन्वर्जन, देखो ऐसा है, ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। तो देखो रैपिड इन्वर्जन देखो क्या होता है, कि जो आपका राइट में था वो कहाँ पर हो जाएगा, लेफ्ट में, ठीक है,
तो देखो R, R डबल डैश और R डबल डैश, ठीक है, R डैश और R डबल डैश। तो देखो है, ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है और ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, तो ये रैपिड इन्वर्जन कन्वर्ट, रैपिड इन्वर्जन कन्वर्जन भी बोलते हैं इसको मैं, ठीक है। तो इसका रैपिड इन्वर्जन होता है, बहुत जल्दी बहुत फास्ट होता है। जैसे कि देखो छतरी आपने ऐसे देखा होगा, ऐसा ऐसे का है, ठीक है, अगर बहुत तेज विंड आया, ठीक है, तो ये तुरंत ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो उसी जैसा एक एप्लीकेशन है। तो देखो, तो मैंने आपको बताया ये इसमें भी एग्जिस्ट करेगा, ये इसमें भी एग्जिस्ट करेगा। तो देखो 50% ये इसमें एग्जिस्ट करता है और 50% ये इसमें एग्जिस्ट करता है। अच्छा, 50% इसमें और 50% इसमें, कहने का मतलब क्या है कि देखो 50% आपका डी, 50% आपका डी और 50% आपका क्या है एल। तो यार ये 50% एल और 50% डी क्या हो गया, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये हो गया आपका रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर के बारे में अभी बताया था कि ये क्या होते हैं आपके मीजो, बोलो ध्यान से, मीजो कंपाउंड। तो देखो ध्यान से, ये कंपाउंड है आपका, इसके पास में कायरल सेंटर आपका एक है, लेकिन फिर भी ये क्या है, मीजो कंपाउंड। क्यों, आधा इधर एडजस्ट करेगा, आधा इधर एडजस्ट करेगा, अगर ये राइट में रोटेट करेगा तो ये लेफ्ट में रोटेट करेगा, तो ओवरऑल रोटेशन क्या होगा आपका, जीरो। अब देखो, मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि मीजो कंपाउंड को हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, तो नॉन रिजॉल्व, ठीक है। तो मीजो कंपाउंड को हम क्या नहीं कर सकते, रिजॉल्व नहीं कर सकते, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और देखो हर एक चीज ध्यान से सुनना, हर एक चीज जो मैं ये बात कर रहा था, ये आपका एलिफेटिक स्ट्रक्चर, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ असाइक्लिक स्ट्रक्चर। असाइक्लिक का मतलब क्या है कि ओपन स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर में आपका ये रैपिड इन्वर्जन होता है, ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मैं साइक्लिक की बात करूंगा तब उस केस में नहीं होता है। क्यों नहीं होता मैं बताऊंगा आपको, तो ध्यान से सुनना कि देखो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि इधर आपका कायरल सेंटर, कायरल सेंटर इज इक्वल टू कितना है आपका वन। तो आपको पता है कायरल सेंटर वन होने पे तो कंपाउंड आपका क्या होता था, ऑप्टिकल एक्टिव होता था, कार्बन की बात करो। लेकिन नाइट्रोजन के केस में क्या आ रहा है, ये ऑप्टिकली, ऑप्टिकली बोलो ध्यान से, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों आ रहा है, क्योंकि 50% डी में एग्जिस्ट कर रहा है, 50% एल में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आधा राइट में रोटेट करेगा, आधा लेफ्ट में, तो ओवरऑल आपका रोटेशन क्या हुआ आपका, जीरो, ठीक है। तो मैं ऐसे कंपाउंड के पास में कायरल सेंटर आपका बर्न होने के बाद में भी ये कंपाउंड आपका क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन का मैंने एग्जांपल आपको बताया ये, ठीक है। और ये हम किस में बात कर रहे हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड में, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ एलिफेटिक कंपाउंड में, एलिफेटिक समझते हो, ठीक है। रैपिड इन्वर्जन होता है, वो भी आपका किस पे, रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर। तो ये रूम टेम्परेचर पर, इसमें भी एडजस्ट करेगा, इसमें भी एडजस्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्लियर है, तो ऐसा तुम थोड़ा ध्यान से फोकस से इस क्वेश्चन को करना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि हर एक चीज, कि देखो यार मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूँ, कि देखो ये जीके भी था, जीके भी का यही एक दूसरा पार्ट है, कि देखो अगर मैं बात करूं असिमेट्रिक नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन द रिंग स्ट्रक्चर। असिमेट्रिक का मतलब क्या है, वही आपके कायरल सेंटर, ठीक है, कायरल सेंटर। अभी हम किसके बारे में, इसमें से बात कर रहे हैं, इसमें से किसके बारे में बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन के बारे में। इफ असिमेट्रिक नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन द रिंग स्ट्रक्चर देन इन्वर्जन डज नॉट टेक प्लेस एंड सच मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली एक्टिव। कहने का मतलब क्या है इसका, देखो ध्यान से सुनना, अगर आपका नाइट्रोजन एटम पार्ट ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि देखो ध्यान से इधर, कि देखो ये मैंने आपका ऐसा एक कंपाउंड बना रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना, कि देखो मैंने आपका ये, इसको मैं ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने आपका ऐसा कंपाउंड बनाया, देखो नाइट्रोजन आपका साइक्लिक का पार्ट है, तो देखो साइक्लिक का पार्ट होगा नाइट्रोजन, तो इस केस में आपका, ध्यान से सुनना, अभी मैंने ये नहीं बोला ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा, मैंने बस ये बोला कि विद रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के पास में और भी ग्रुप है, हाइड्रोजन वाइड्रोजन है, बस मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो चलो मैं लगा भी देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे दिक्कत कर रहे हो, ठीक है, तो मैंने लगा दिया। तो देखो यार इस केस में आपका नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में आपका इन्वर्जन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अगर आपने इन्वर्जन कर दिया तो आपकी जो रिंग है, रिंग ब्रेक हो जाएगी, अपने को रिंग ब्रेक नहीं करनी। तो देखो ध्यान से, तो देखो यार मैंने ये ग्रुप लगाया, ठीक है,
और ये मैंने नाइट्रोजन पे आपका ये लगाया। तो बोलो नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में मैं बात करता हूँ, तो देखो नाइट्रोजन को मैं देखता हूँ कि ये आपका कायरल सेंटर है क्या। तो देखो नाइट्रोजन पे एक क्या लगाया, मिथाइल, एक ऐसा ग्रुप इधर लगाया, इधर क्या आपका CH2 और ये क्या आपका CH, तो बोलो दोनों डिफरेंट है। तो ये क्या आ गया आपका कायरल सेंटर, तो कायरल सेंटर ठीक है। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ असिमेट्रिक नाइट्रोजन सेंटर, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ एटम। तो देखो इस केस में ये कंपाउंड क्या होगा, इसके पास में कायरल सेंटर कितने आपके एक, या फिर असिमेट्रिक सेंटर या नाइट्रोजन सेंटर आपके कितने एक, तो ये कंपाउंड आपका क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, कि ये ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है, कि ये आपका दो कंपाउंड बनाएगा। देखो n इज इक्वल टू क्या है आपका 1, तो 1 में क्या है, देखो मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर n, ठीक है, n इज इक्वल टू इधर अगर 1 रखोगे तो दो आइसोमर इसके बनेंगे, एक तो d बनेगा और एक l बनेगा, ठीक है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो एक r बनेगा एक s बनेगा, ठीक है, d और l आप साइड में हटा देना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया इधर कायरल सेंटर आपका बनाया, तो 1 से देखो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू कितना बना आपका, दो आइसोमर बनेगा, बस इतना समझ लो, डी और एल वाला पार्ट हटा दो, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो देखो रिंग में आपका जो आपका रैपिड इन्वर्जन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि देखो रिंग क्या हो जाएगी आपके ब्रेक, अपने को रिंग ब्रेक नहीं करने। तो देखो अगर आपका नाइट्रोजन पार्ट ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो उस केस में आपका रैपिड इन्वर्जन आपका नहीं होगा, ठीक है, रैपिड इन्वर्जन आपका नहीं होगा। और रैपिड इन्वर्जन आपका किस केस में होता था, असाइक्लिक कंपाउंड में, जिसमें नाइट्रोजन है ऐसे, ये इसके बारे में बताया, तो रैपिड इन्वर्जन होकर ये आधा कंपाउंड इसमें एडजस्ट करता है, ये वाला इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, ये वाला इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, तो 50% डी 50% एल, तो इसका मतलब क्या है, रैसिमिक मिक्सचर, ठीक है, जो कि आपका मीजो कंपाउंड को आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। जो मैंने इधर बोला था आपको एक डी बनाएगा एक एल बनाएगा, उसको भूल जाना, ठीक है, उसको भूल जाना, बस आप एक याद रखना, एक आर बनाएगा एक एस बनाएगा, ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ, एक आर बनाएगा और एक एस बनाएगा, ठीक है, आर और एस मैंने आपको अच्छे से बताया, क्लैरिफाई किया है। तो देखो कौन से केस में आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कौन से केस में आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए एक एक चीज, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ में ये लेक्चर खत्म करते हैं। तो देखो हमने क्या क्या जाना, हमने ऑप्टिकल आइसोमर की काउंटिंग के बारे में जाना, जिसमें हमने तीन केस पढ़े थे, जैसे पहले केस में अगर उसके टर्मिनल पॉइंट या एंड पॉइंट आपके डिफरेंट हुए तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं, 2 की पावर n, n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर, ठीक है। उसके बाद में दूसरे केस के बारे में बात किया, अगर आपके एंड पॉइंट जो टर्मिनल पॉइंट है वो अगर आपके सेम आ गए, ठीक है, अगर n इज इक्वल टू इवन आ गया तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ आपके ऑप्टिकल आइसोमर क्या आएंगे, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1, ठीक है। उसके बाद में केस 3 के बारे में हमने बात किया कि अगर आपके एंड पॉइंट सेम आ जाए लेकिन n इज इक्वल टू क्या आ जाए आपके ऑड, तो उस केस में आपके टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर क्या आएंगे, 2 की पावर n-1, तो ये मैंने बात किया। उसके बाद में मैंने बताया आपको कि मीजो कंपाउंड के बारे में, तो देखो मीजो कंपाउंड के बारे में मैंने क्या बताया, जिसके पास में आपके कायरल सेंटर मोर देन 1 हो और उसके पास में प्लेनो सिमेट्री या सेंट्रो सिमेट्री क्या हो प्रेजेंट, या फिर ऐसा हो सकता है दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम अकायरल कंपाउंड भी बोलते हैं, अकायरल ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो और इनको हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। और देखो ध्यान से सुनो, और मैंने आपको लास्ट में बताया कि नाइट्रोजन एटम के लिए असाइक्लिक, नाइट्रोजन एटम के लिए एलिफ, देखो उसका रैपिड इन्वर्जन हो रहा है, तो रैपिड इन्वर्जन होने की वजह से कि देखो वो 50% एल में एग्जिस्ट कर रहा है, 50% आपका डी में एग्जिस्ट कर रहा है, तो जिसकी वजह से वो क्या आपका रैसिमिक मिक्सचर, और रैसिमिक मिक्सचर है तो उसका मतलब क्या है, मीजो कंपाउंड, ठीक है, तो मीजो कंपाउंड मैंने आपको समझाया, जो जस्ट देखो मीजो कंपाउंड मैंने आपको पहले बताया, उसके बाद मैंने तुरंत ये नाइट्रोजन वाला एग्जाम्पल बताया, ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और देखो, और मैंने बोला आपको कि जैसे कि अगर नाइट्रोजन एटम पार्ट ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो उस केस में आपका रैपिड इन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि अगर रैपिड इन्वर्जन कर दिया तो रिंग क्या हो जाएगी आपके ब्रेक, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। तो उस केस में आपका कंपाउंड क्या आएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आएगा, ठीक है, ये क्लियर है, गुड। तो यार ये सब मैंने बात किया,
आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया, ठीक है। बहुत मैंने माइनर माइनर चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई हैं, ठीक है। और देखो यार, कुछ बच्चों का क्योरी आ रहा है कि मतलब कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि यार अपने को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल रहे, तो यार कैसे भी करके इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। जो आगे से अपना जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें आपको भर भर के क्वेश्चन देंगे, ठीक है। इतना क्वेश्चन देंगे कि आपको भी लगेगा कि हाँ, जैसे आपने क्लास में कराता था कि बहुत सारे क्वेश्चन कराता था, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे। अभी स्टीरियो केमिस्ट्री आइसोमेरिज्म जो चैप्टर चल रहा है उसको अच्छे से एक एक थ्योरी थ्योरी वाइज पढ़ लो, ठीक है। इसको मैं दोबारा से जब रिवीजन कराऊंगा तो दोबारा से पढ़ाऊंगा। मुझे पता है इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हैं, ठीक है। जो मैंने एक आपको एक लेबोरेटरी मेथड बता दिया था कि पीपीएल लाइट को रोटेट करता है, ये करता है, तो बहुत सारे बच्चों के लिए वो गायब हो गया, ठीक है। तो मुझे पता है, मुझे समझ सकता हूँ मैं तुम्हारी भावना कि बहुत सारे बच्चों को वो नहीं समझ में आया, तो मैं दोबारा से आपको रिविजन लेक्चर में पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लें, ठीक है। और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि भगा भगा के उधर पढ़ा दूंगा, नहीं, अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। रिवीजन लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अभी मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ बस उन पर फोकस करो, और आइसोमेरिज्म के भी मैं बहुत सारा क्वेश्चन नहीं दे रहा, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करूँगा मैं हाइड्रोकार्बन में मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकते हैं आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करने, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। जब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ो और अपना फेथ अपनी फैकल्टी पे पूरा 100% रखो, और वो आपके बारे में सदैव अच्छा ही सोचते हैं, और जो भी आपके लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, वही आपको वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।